प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 13.1 का आखिरी दो सवाल, 7 नंबर और 8 नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 5 नंबर और 6 नंबर। तो मैं प्रत्येक दिन 2 या 4 सवाल करके बताता जाऊंगा। आप लोगों को करना यह है कि सारे वीडियो को देखते चले जाना है, और उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बार बार देखना है, ये ध्यान में रखना। तो आज 7 नंबर सवाल पर देखते हैं क्या है। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों का डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25, 20 और 5, छोटे का 15, 12 और 5। सभी प्रकार के अतिव्यापिकता यानी ओवरलैप अगर होगा तो उसका क्षेत्रफल में 5% के बराबर गत्ता लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की लागत कितनी होगी। मैं एक बार फिर से सवाल को समझा दूं। सवाल ये कह रहा है कि आप जब मिठाई की दुकान में मिठाई लेने जाएंगे तो वहाँ पर मिठाई वाला जो है एक डब्बा देता है। अगर हम जिस प्रकार का डब्बा मतलब मात्रा लेना चाहते हैं कि अगर 1/2 केजी, 2 केजी, 1 केजी, तो उस साइज का डब्बा होता है। एक बड़ा साइज का डब्बा आता है, एक छोटे साइज का। तो यहाँ पर भी जो स्वीट हाउस है, शांति स्वीट स्टॉल, उसने क्या किया है, 2 प्रकार के डिब्बे का माप दिया है। पहला देखते हैं, सवाल को एक बार फिर से समझे। शांति जो स्वीट स्टॉल है उसने 2 तरह का डब्बे बनाने का ऑर्डर दिया, और इस तरह से उन्होंने एक का दिया है 25, 20 और 5 का माप है। ये 25, ये 20 और ये 5 सेंटीमीटर। और एक जो छोटे साइज का डब्बा है उसका बीमा दिया हुआ 15, 12 और 5। ये 15 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये फिर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 2 प्रकार के डिब्बे हैं। अब इन डब्बे का जो डब्बा बनाना है तो उसमें जो अगर चिपकाएंगे तो ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप के लिए 5% गत्ता अतिरिक्त लगेगा, मतलब ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरह से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत है 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगेगा, और 250 इसका बनाना है और 250 इसका बनाना है। इस तरह से 500 डिब्बे, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाना है। तो एक बार फिर से सवाल को समझें कि एक बड़ा और एक छोटा, बड़े जो डब्बा है उसकी बीमा है 25, 20 और 5, छोटे वाला है 15, 12 और 5। इसमें 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है जो कि ओवरलैप होने पर यानी चिपकाने के लिए। अगर 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का कीमत है तो 250 डब्बे बनाने में कुल कितने खर्च आएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करें ना कि बड़ा वाला डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लें, छोटा वाला डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लें 250 करके फिर, और तब जा करके उसमें 5% एक्स्ट्रा जोड़ करके फिर उसका कीमत निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। बड़ा डिब्बे की लंबाई हो गया 25, चौड़ाई हो गया 20, ऊंचाई हो गया 5, और डिब्बे की संख्या हो गया 250। तो कुल 250 डिब्बे बनाने में प्रयुक्त, या ऐसा करें पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर 2 × LB BH LH,
तो 2 × 25 × 20 जोड़ 20 × 5 जोड़ 25 × 5 तो 2 × 25 × 50 20 × 25 × 100 25 × 125 600 725 725 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर लग गया इसका एक डिब्बे का। तो 250 डिब्बे का क्षेत्रफल तो 250 × 1450 तो हो गया, इसको गुना कर देते हैं। अब इसमें जो है 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है, तो 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है डिब्बा बनाने में, तो 250 डिब्बों में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल। अब 250 × 1450 तो हो गया डिब्बे का क्षेत्रफल, इसमें 5% अधिक गत्ता लगता है, तो यानी 100% के जगह 105% हो गया, तो इसका 105/100। अब इसको सॉल्व कर लें, 21, 20 ये कट गया, 725 तो 25 × 725 × 21 गुना करके देखें, 725 × 25 25 5 × 10 = 12 7 × 5 = 35 36 1450 5 × 2 = 5 = 4 × 3 = 7 = 8 अब इसको फिर 21 से तो एक बार में, दो बार में 50 2 × 18 = 36 ठीक है, 5 × 2 = 10 × 6 = 7 × 8 = 3 यानी हो गया 380 625 380 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बड़ा वाला डिब्बे का में प्रयुक्त गत्तों का क्षेत्रफल। एक बार फिर से पहले इसको देखेंगे, फिर छोटा वाला पर काम करेंगे। बड़ा वाला डिब्बों की लंबाई कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20, ऊंचाई 5। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कि बड़ा वाला डिब्बे में जो गत्ता है, जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना। तो 2 × लंबाई × चौड़ाई लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। इसको सॉल्व किए तो 25 × 20 20 × 5 5 × 25 तो इस तरह से 500 × 20 = 100 25 × 25 = 125 तो 600 × 125 × 2 = 1450 ये हो गया एक डिब्बे का क्षेत्रफल। तो 250 डिब्बे का क्षेत्रफल 250 × 1450। अब कह रहा है कि 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है, 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है डिब्बे बनाने में। तो 250 डिब्बे में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल तो 250 × 1450 तो था ही। अब जहाँ 5% अधिक लगेगा, इसका मतलब जो है 105% हो गया, तो 105/100 और सॉल्व किए तो इतना आ गया। तो ये हो गया बड़ा डिब्बे का, इसको उतार लेना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्या, छोटा डिब्बा। अब इसी को हम लोग छोटा डिब्बे में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो बड़ा डिब्बे की जगह अब क्या आ गया, छोटा डिब्बे की लंबाई कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई फिर 5। इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला वही होगा। तो यहाँ कितना हो गया, 15 × 12 फिर 12 × 5 फिर 15 × 5। अब इसको सॉल्व कर लिए, कितना हुआ, 15 × 12 = 180
बारह पंचे सात, पंद्रह पचे पचहत्तर। तो अब कितना हो गया इधर, पाँच सात छः तेरह, आठ छः चौदह, चौदह और सात बी इक्कीस, इक्कीस का एक दो एक तीन, तो हो गया छः सौ तीस, एक सौ अस्सी, साठ पचहत्तर, पाँच आठ सौ चौदह, सात सात चौदह, सत्तर इक्कीस, दो तीन, ठीक है। अब इस तरह से 250 डिब्बे उसमें भी चाहिए, तो 250 से 630 को गुना कर दिया। अब 5% अतिरिक्त उसमें भी चाहिए, तो 5% अतिरिक्त करके ये पहले लिख लेना है 38625, ठीक है। अब इसमें कितना है, तो 250 गुना 630 गुना 105 बटा 100। अब ये 0000 कट गया। अब इधर हो गया 25 गुने 63 गुने 105, 25 गुने 63, 25 तिया 75, 25 छक्का 150, 5 7 1575 गुना 105, 25 7 5 35 36 37, 15 5 75 76 77 78, 5 7 5 1 5 7 8 5 13 7 7 14 1 15 5 1 6 इतना। तो ये हो गया 16 तिरपन 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया छोटे डिब्बे का, 250 छोटे डिब्बे का में जो गत्ता लगेगा वो। अब दोनों डब्बा मिला करके, दोनों प्रकार के 500 डिब्बे का में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, तो पहला वाला बड़ा वाला में कितना लगा था, तो 38625 इधर हो गया 16 53 75, इसको जोड़ देंगे 16 53 75, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 1 6, 814 का 4 3 1 4, 5 54, 54 हो गया 60 00, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 1 6, 6 8 14 3 1 4, 5, ठीक है इतना। अब है क्या कि उसका 1000 पर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया, तो चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 4 रुपया, तो इसीलिए 5460 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 5460 बाई 1000 कट गया, 6 चौके 24, 4 चौके 16 17 18, 5 चौके 20, 21, तो 2184 रुपया लगेगा इसको 500 डब्बे में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए में खर्च। तो इस प्रकार ये 7 नंबर का सवाल था, थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले जाना है, इसको बार बार देख करके पॉज करके अब फिर हम लोग बनाएंगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा, इसको उतार लेना है। अब हम लोग इस चैप्टर का आखिरी सवाल पे जाएंगे। आखिरी सवाल कह रहा है आप एकदम कंसंट्रेट करके सवाल को बनाएं तो बहुत ही सरल तरीके से ये सारा सवाल बनेगा।
है। अब 8 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमा करके ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हो कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, तो आधार की बीमा 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर है। इस ढांचे को बनाने में कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? बहुत ही सरल सवाल है। परवीन नाम की एक महिला है जो अपने कार को सुरक्षित रखने के लिए उसको पार्क में जो है गर्मी धूप बरसात से सुरक्षा रख करने के लिए वह तिरपाल का एक अस्थाई कवर नुमा जगह को एक्वायर करती है और तिरपाल से ढक करके उसमें कार रखती है, जिसका ऊपर वाला भाग भी ढका होगा और इस सामने में एक जो है फ्लैप होगा जिसको उठा करके कार को फिर निकाला और अंदर किया जा सकता है। तो ये तो तय हो गया कि नीचे वाला भाग का में तिरपाल नहीं लगेगा, तो कितने भाग में? 5 भाग में लगना है कि 2 साइड, 2 सामने आगे और पीछे और 1 ऊपर, नीचे नहीं लगेगा। तो अच्छा, उसकी सिलाई में जो भी कपड़ा जाएगा तिरपाल का उसको नगण्य माना गया। तो यहाँ पर है कि तिरपाल तिरपाल से कवर करने वाला स्थान की लंबाई बराबर कितना हो गया? 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर। मैंने पहले कहा क्या कि 5 भाग का ही क्षेत्रफल निकलेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो तिरपाल के सिलाई में प्रयुक्त कपड़े को नगण्य मानना है। कार को ढकने में प्रयुक्त तिरपाल का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 × LB, BH और LH। यहाँ 2 लंबाई चौड़ाई वाला भाग है, तो मैंने कहा कि आधार को तो कवर करना नहीं है, तो माइनस क्या हो जाएगा? LB। अब 2 × L कितना है? 4 × 3, 3 × 2.5, फिर 4 × 2.5 माइनस 4 × 3 हो गया, तो 2 × 12 = 75, 7.5, 25 × 4 = 110 माइनस 12, तो 12 × 10 = 29, 19 × 10 = 29, तो 2 × 29.5 माइनस 12, 29 × 58 और 1 = 59, 59 माइनस 12, 7 इधर हो गया 4 मीटर² तिरपाल की आवश्यकता होगी। इसको आप लोग उतारेंगे ध्यान से। तो मैंने कहा ना कि सवाल बहुत ही सरल है, बस सीखना है। आप लोग समझ गए होंगे इसको कि तिरपाल जिस भाग में कार रखना है उसकी लंबाई 4, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2.5 मीटर है। तिरपाल की सिलाई में जो कपड़े प्रयुक्त होगा उसको नगण्य मानने कहा जा रहा है सवाल में, ये प्रश्न से। तो कार को ढकने में प्रयुक्त तिरपाल का क्षेत्रफल तो 2 × LB, BH, LH और उसमें नीचे वाला तो होगा ही नहीं, तो इसलिए माइनस LB सॉल्व किए तो ये निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने
आज दो सवाल को देखा, अब हम लोग अगले क्लास में 13.2 को देखेंगे और इस 13.2 में हम लोग सीखेंगे बेलन के विषय में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैंने पहले भी कहा कि गणित को मनोरंजक बनाना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार वीडियो को देखना है, तब तक देखना है जब तक कि सीख न ले, और फिर भी दिक्कत हो तो फिर हमसे कांटेक्ट करना है। मेरा नंबर है, अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो 9570410653, इस पर आप कांटेक्ट करें, कहीं दिक्कत होगा तो सॉल्व मिलेगा। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।